Hello everyone, welcome back to our channel Learn with Nishman. We are going to start the next division of topic court. Today we will discuss competency to take cognizance. Right? Cognizance ka matlab maine aapko bataya tha bache, jab magistrate kisi case ko lete hue apna judicial mind apply kare. Right? मैजिस्ट्रेट ऑफेंसेस का कॉग्निजेंस लेता है. जब मैजिस्ट्रेट ने ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले लिया, इसका मतलब होता है कि मैजिस्ट्रेट ने अपना जुडिशियल माइंड उसमें लगा दिया है, उस केस में. राइट? अब मैजिस्ट्रेट इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा, मतलब यहाँ पर केस को ड्रॉप नहीं करेगा. राइट? एविडेंसेस लेने हैं, विटनेसेस को एग्जामिन करना है पुलिस की रिपोर्ट के बाद, चेक करना है. अगर उसे लग रहा है कि कहीं प्रोसीडिंग्स अब कंटिन्यू करनी है, तो वो उसको जब स्टार्ट करता है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कॉग्निजेंस लेना. सो टुडे वी विल डिस्कस कॉम्पिटेंसी टू टेक द कॉग्निजेंस एंड वी विल डू सेक्शन 190 to 193 टुडे. ठीक है बच्चे, ध्यान से सुनिएगा. द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं कॉम्पिटेंसी टू टेक कॉग्निजेंस. जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, देखिए बच्चे, जो CJM कैटेगरी होती है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, उसी में ही ये सब कैटेगरीज होती हैं. जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास. तो CJM को हम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास भी बोल देते हैं. नाउ व्हाट इट सेज, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस. राइट? एनी ऑफेंस, इवन इफ ही इज नॉट कॉम्पिटेंट टू ट्राई, he can later transfer it to the respective magistrates. Competency to try not important. ठीक है, competency की बात नहीं देखते हैं. cognizance हमेशा judicial magistrates ही लेते हैं first class. तो judicial magistrate first class जब किसी भी matter का cognizance लेते हैं, तो वो ये नहीं देखते हैं वो competent हैं कि नहीं. later on वो जब jurisdiction की बात आती है, उनके scope की बात आती है, वो accordingly transfer करते हैं. राइट? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास की बात करें, तो दे कैन टेक कॉग्निजेंस ओनली वेन CJM एम्पावर्स. जब उन्हें CJM से पावर मिले, CJM उनको ऑर्डर दे, तभी वो किसी मैटर की कॉग्निजेंस ले सकते हैं. प्लस ही शुड हैव द कॉम्पिटेंसी टू ट्राई इट टू, उस मैटर को ट्राई करने की उनकी कॉम्पिटेंसी भी होनी चाहिए. ही कैन टेक कॉग्निजेंस ओनली ऑफ दोज ऑफेंसेज ऑफ विच ही इज कॉम्पिटेंट टू ट्राई. कॉम्पिटेंट की बात कर रहे हैं, मतलब दे हैव राइट टू ट्राई दैट केस. ओके बच्चे, अब आपको पता है, मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि कॉग्निजेंस हम तीन तरीकों से लेते हैं. ओके, कॉग्निजेंस टेकन ऑन ईदर ऑन द पुलिस रिपोर्ट, ऑन रिसीविंग कंप्लेंट, कोई कंप्लेंट आई है, या फिर स्यूमोटो हिमसेल्फ. सो कोर्ट ऑफ सेशंस कैन नॉट टेक डायरेक्ट कॉग्निजेंस, ये याद रखिएगा. कोर्ट ऑफ सेशन कभी भी डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं लेती हैं, उनके ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है. वी हैव डिस्कस्ड इन सेक्शन 193. जब इनके पास कोई भी मैटर कमिट होके जाता है, कमिट किससे होता है, थ्रू CJM, तभी वो उस मैटर को कॉग्निजेंस लेते हैं. सो इन अदर केसेज इट शैल नॉट टेक कॉग्निजेंस अनलेस द मैजिस्ट्रेट हैज कमिटेड अंडर सेक्शन 209 and 323. इट कैन टेक कमिटल कॉग्निजेंस ओनली वेन मेड बाय अ मैजिस्ट्रेट. ठीक है ना, कमिटल कॉग्निजेंस लेते हैं ये, और जब किसके थ्रू बनी हो, CJM के थ्रू. ये प्रोसेस मैंने आपको बताया था, कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कोई भी मैटर नहीं ले सकते. ये मैटर्स किसके पास जाते हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, दे कैन टेक द कॉग्निजेंस. नाउ कोर्ट ऑफ सेशंस कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस डायरेक्टली इन इट्स ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन एज पर सेक्शन 193 एक्सेप्ट 199 and 319 और अंडर एनी स्पेशल लॉ. कोई स्पेशल लॉ ही आ गए उसी के एक्सेप्ट ये नहीं ले सकते. अदरवाइज कॉग्निजेंस हैज ऑलवेज टू बी टेकन फर्स्ट बाय द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 190 जो हम डिस्कस कर रहे हैं. एंड देयर अपॉन व्हेन द कमिटल इज मेड बाय सच मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 209 और 323, कोर्ट ऑफ सेशन विल टेक कमिटल कॉग्निजेंस. इसको हम डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं कहते, इसको हम कमिटल कॉग्निजेंस कहते हैं. राइट बच्चे, नाउ हु कैन टेक कॉग्निजेंस एंड अपॉन व्हाट सिचुएशंस, कौन ले सकता है, हु आर द कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस. देखिए, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस. जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स ऑफ फर्स्ट क्लास, दे कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी मैटर.
राइट, कैन टेक पर से कॉग्निजेंस, नो कंडीशंस, कोई कंडीशंस नहीं है. जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास अभी बताया है, ओनली इफ CJM हैज एम्पावर्ड हिम टू टेक कॉग्निजेंस प्लस ऑफेंसेज विद इन द कॉम्पिटेंसी, उनकी कॉम्पिटेंसी में भी होना चाहिए, दे विच दे कैन ट्राई. ओके, सिचुएशंस मैंने आपको बता दी है, पुलिस रिपोर्ट, रिसीविंग कंप्लेंट और ऑन द सुमोटो. ओके, कंप्लेंट कैसे, एनी थर्ड पर्सन कंप्लेंट हो सकती है. तो सिचुएशंस आपको पता लगी. अब जब कंप्लेंट होती है, देखिए रिसीविंग कंप्लेंट, कंप्लेंट आपकी आती है बच्चे सेक्शन 191 एंड ए पार्ट. पुलिस रिपोर्ट आती है आपकी सेक्शन 190 क्लोज 1 सब क्लोज, सॉरी पुलिस रिपोर्ट इज सब क्लोज बी. एंड देन द थर्ड इज एनी पर्सन, मतलब थर्ड पर्सन भी आकर कंप्लेंट कर सकते हैं, एनी पर्सन और या आपके पास सुमोटो इंफॉर्मेशन हो, राइट. और ये हमारी किसमें दी गई है, सेक्शन 190 क्लोज 1 सब क्लोज सी, राइट. बट बच्चे एक चीज ध्यान में रखिएगा, आपके पास आप इनके थ्रू कॉग्निजेंस डायरेक्ट ले सकते हैं, ठीक, आपके पास कंप्लेंट आई या पुलिस रिपोर्ट में आपने ले ली. बट जब आप सुमोटो लेते हैं तो जो एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड के पास हमेशा एक सेफ गार्ड प्रोविजन रहता है अंडर सेक्शन 191 के अंडर उसके पास एक सेफ गार्डिंग प्रोविजन है, राइट. एंड दैट गिव्स द फेयर ट्रायल. फेयर ट्रायल के लिए ऐसा है, लेट्स डिस्कस दिस. देखिए सेक्शन 191 क्लोज 1 सब क्लोज सी प्लस सेक्शन 191 को हम इकट्ठा रीड करते हैं. क्यों रीड करते हैं, एक्यूज्ड हैज राइट टू गेट द केस ट्रांसफर्ड इन सम अदर टू सम अदर मैजिस्ट्रेट. देखिए सिंस ही हैज टेकन कॉग्निजेंस, जो कॉग्निजेंस है यहाँ पे या तो किसी थर्ड पर्सन से या सुमोटो किसी ने, मतलब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने सुमोटो वो लिया है हिमसेल्फ, उसने ऐसी कंडीशंस देखी हैं कि कॉग्निजेंस लेना जरूरी है. बट यहाँ पर जो एक्यूज्ड है उसको एक फेयर ट्रायल का राइट है और फेयर ट्रायल के अंडर उसको एक राइट दिया गया अंडर सेक्शन 191 दैट ही कैन ट्रांसफर हिज केस, गेट ट्रांसफर्ड हिज केस टू द अदर मैजिस्ट्रेट, राइट. प्रिंसिपल ऑफ फेयर ट्रायल इज देयर. Magistrate has a duty to inform the accused to get the case transferred so that there are no chances of biasness. ये बिल्कुल जरूरी है. Plus explain why there is a change of magistrate. बताना पड़ेगा क्यों magistrate को वो change करना चाह रहे हैं. Because there are chances of personal biasness very high रहते हैं. क्यों एक particular person ने वहीं पर case submit करवाया, क्यों उन्होंने सुमोटो लिया. So section 191 is to provide for safeguarding natural justice to the accused as in the cases of cognizance and information the magistrate himself on some service of information takes the cognizance and if he is empowered to conduct the fair trial himself there are chances of biasness. Trial agar wo khud karenge to biasness ke chances rehte hain. Dekhiye har kisi ke man mein aisa rahega ki why I am not getting the right, if I want to transfer my case to other one then he must be given this right. Justice should not only be done but should also be seen to be done. Remember that? So there can always be a possibility that the magistrate may for some personal reasons wrongly take cognizance and try and convict the accused. ये हमेशा possibility रहती है कि magistrate शायद अपने personal reasons की वजह से भी accused को convict कर लें. So here section 191 provides a right to the accused to get the case transferred for trial to some other magistrate just to ensure a fair trial to the accused, right bache. So the magistrate taking cognizance has a duty to inform the accused about this right. Is right ke bare mein bhi magistrate ki duty banti hai ki usko bataye ki if he want to transfer he can do so, right. Ab aata hai bache court of sessions. Can court of take this court of sessions can take direct cognizance, kya ye le sakte hain direct cognizance. Maine just bataya aapko, answer is no. कोर्ट ऑफ सेशंस डायरेक्ट कग्निजेंस नहीं ले सकते. सेक्शन 193 डजंट अलाउ. द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट क्या करते हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कमिट्स द केस टू द कोर्ट ऑफ सेशन, इट इज अ कमिटल कॉग्निजेंस, कॉग्निजेंस अपॉन कंप्लेंट और अपॉन कमिटल अंडर सेक्शन 209+323. इफ यू रिमेंबर ये हमने वीडियो कर चुके हैं, गो एंड वॉच दैट.
डायरेक्ट कॉग्निजेंस का मतलब बच्चे डायरेक्ट से वो पुलिस रिपोर्ट या किसी कंप्लेंट से खुद से ही केस को ट्राई नहीं कर सकते. जब तक उनके पास लोअर कोर्ट से केस नहीं आता, दे कैन नॉट टेक एनी स्टेप. राइट, नाउ लेट्स डिस्कस सेक्शन 192. सेक्शन 192 क्या कहता है बच्चे? मेकिंग ओवर द केस. राइट, मेकिंग ओवर ऑफ केसेस टू मैजिस्ट्रेट. केसेस टू मैजिस्ट्रेट यही है. देखिए, सीजेएम हिमसेल्फ टेक्स द कॉग्निजेंस एंड देन गिव्स इट टू सम अदर मैजिस्ट्रेट. सीजेएम यही करते हैं, पहले वो खुद लेते हैं और फिर किसी को देते हैं. अब सीजेएम में आई टोल्ड यू क्या क्या आते हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, इनको मैजिस्ट्रेट्स भी बोलते हैं. सो सीजेएम क्या करते हैं, हिमसेल्फ टुक द कॉग्निजेंस या फिर वो दे देंगे फर्स्ट क्लास को या सेकेंड क्लास को. राइट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, ये किसके थ्रू जाते हैं, ऑर्डर ऑफ सीजेएम. ओके, तो अब आपको समझ में आया. मैं आपको फिर से बताती हूँ, कमिटल, हमने तीन पार्ट कर लिए हैं, कमिटल, सबमिशन एंड देन मेकिंग ओवर. ओके, कमिटल में क्या होता है, एनी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कमिट्स टू कोर्ट ऑफ सेशन. कोर्ट ऑफ सेशन को केस जाता है अंडर सेक्शन 209 प्लस 323. सबमिशन में क्या होता है, बाय जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स ऑफ फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, किसको जाता है, टू सीजेएम. और ये हमने कौन सा सेक्शन किया है, 322 प्लस 325. और मेकिंग ओवर में क्या बताया है, सीजेएम देते हैं टू सबऑर्डिनेट्स को, टू फर्स्ट क्लास को या सेकेंड क्लास को. राइट, या फिर फर्स्ट क्लास दे दे टू सेकेंड क्लास को. राइट, सो ये हमारा ऑर्डर होता है अंडर सेक्शन 192. समझ में आया बच्चे? सो दिस इज होल द सिनेरियो ऑफ कॉम्पिटेंसी टू टेक कॉग्निजेंस. किसकी पावर होती है, कौन किसको ट्रांसफर कर सकता है, किस बेसिस पर कॉग्निजेंस ली जा सकती है. रिमेंबर द सेक्शंस, डू देम थॉरली. वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, वी आर गोइंग टू डिस्कस इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. वीडियोस को कोई भी स्किप मत करे, क्योंकि सिलेबस हम कंटिन्यू कर रहे हैं. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको करवा रही हूँ. I'll give you the basic information about what is inquiry, what is investigation, what is trial, and what is the difference between them. Right? So, till then, keep watching, keep sharing. Goodbye.